नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि पीएम किसान योजना में सीएससी लॉगिन का जो लिंक है वो आ गया है, लेकिन फ्रेंड्स हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स उसे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड, वो कैसे लॉगिन होगा और कब तक लॉगिन स्टार्ट होगा और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं और फ्रेंड्स साथ में आपको समझाने वाले हैं कि ये सारा काम कैसे होगा। फ्रेंड्स, आपको अलग अलग चैनल पे अलग अलग माध्यम से बताया जा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जो उसके अंदर की सच्चाई है वो आपको कोई नहीं बता रहा। तो फ्रेंड, हम आपको यहाँ पे पूरी जानकारी बताने वाले हैं जिससे कि आपको समझ में आए और आप अपने सीएससी पोर्टल से जो है पीएम किसान योजना को लॉग इन कर पाए और किसी भी आवेदन में सुधार कर पाए। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आ गए हैं पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक सीएससी लॉगिन का लिंक जोड़ दिया गया है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे है सीएससी लॉगिन। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी आप जब इस पे क्लिक करेंगे, सो फ्रेंड आप देख पाएंगे ये आपके सामने इस प्रकार से पैनल आएगा और यहाँ पे देखिए जब आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा। चलिए मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ। So, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे अपना जो है सीएससी आईडी और पासवर्ड डाला है और यहाँ पे जैसे ही मैं साइन इन करूंगा तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है इनकरेक्ट यूजर और पासवर्ड, यानी कि जो यूजर नेम है वो भी इनकरेक्ट है और पासवर्ड है वो भी इनकरेक्ट है। सो फ्रेंड, जैसे ही आपको यहाँ पे इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड आता है तो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स समझते हैं कि ये लॉग इन क्यों नहीं हो रहा है, या शायद उनके पोर्टल में ही कोई प्रॉब्लम है या फिर उनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने उनका जो है यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया है। फ्रेंड्स आपको अलग अलग जो है यूट्यूबर्स आपको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि आपको यहां संपर्क करना है, वहां संपर्क करना है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यहां पे सच्चाई बताऊं कि यहां पे लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहां पे एड्रेस देख सकते हैं सीएससी कनेक्ट का, और यहां पे फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता दूं कि जो पीएम किसान है उसको अभी सीएससी में पूरी तरीके से मर्ज नहीं किया गया है और जितने भी सीएससी के यूजर्स हैं, जो भी बीएलई वाई है, उनको अभी कनेक्ट नहीं किया गया है पीएम किसान के डेटा से। इसलिए फ्रेंड्स जो भी पीएम किसान का जो भी डेटा है, जो भी हमारे सीएससी यूजर्स वीएलई वाई है, वो पीएम किसान की जो साइट है उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसे अपने पोर्टल से जो है लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है और ये कब तक जो है लॉगिन होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको अलग अलग तरीके से ये बताया जाता है कि आप सीएससी जो मैनेजर है उन्हें कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि वो आपको यहां पे कनेक्ट करें। सो फ्रेंड्स मैं आपको यहां पे सही जानकारी बताऊं कि अभी इसे कनेक्ट नहीं किया गया है और फ्रेंड्स जब ये पूरी तरीके से कनेक्ट होगा तो यहां पे ये आपके सीएससी पोर्टल से लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स जब तक ये कनेक्ट नहीं होता है तो आपको इसी प्रकार की समस्याएं आएंगी और ये आपका जो है लॉगिन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल वेट करना है और आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि किसी का भी ये अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, ना ही ये काम कर रहा है। फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करी है तो उनके हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपका यहां से यूजर आईडी या पासवर्ड बना सके या फिर आपको इसमें ज्वाइन कर सके। तो फ्रेंड्स अगर आप यहां से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को परेशान करते हैं तो फिर आपको वो बाद में कोई हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप उनसे कहेंगे कि यहां पे मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है और बार बार कॉल करके आप उन्हें परेशान करेंगे। तो फ्रेंड आप ऐसा ना करें, क्योंकि जब यहां पे ऑटोमेटिकली ये इंटीग्रेट हो जाएगा सीएससी के साथ तो ये आपका लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जब तक ये इंटीग्रेट नहीं होता है तब तक ये पूर्ण रूप से यहां पे काम नहीं करेगा और ये बिल्कुल भी लॉगिन नहीं होगा। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आप ये जान गए होंगे ये कब तक लॉगिन होगा। फ्रेंड इसे लॉगिन होने में हो सकता है 4 से 5 दिन या 2 से 3 दिन लग जाएं पूर्ण रूप से इंटीग्रेट होने में। फ्रेंड जैसे ये इंटीग्रेट हो जाता है और सही तरीके से वर्क करता है तो मैं पूरा आपको वर्क करके भी इसमें दिखा दूंगा कि कैसे आपको करेक्शन करना है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।